सहजन की खेती भारत के अधिकतर राज्यों में किसान भाई सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि सहजन का पौधा हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर दोनों कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। इस कारण इसे ढीठ स्वभाव का पौधा भी कहते हैं। सहजन के पौधे को ज़्यादा या कम बारिश से फर्क नहीं पड़ता और कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ ठंड में गिरने वाले पाले से सहजन के पौधे को नुकसान होता है। सहजन की खेती जिन राज्यों में लार्ज स्केल पर होती है वे इस प्रकार है: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। भारत के कुल उत्पादन का 80% सिर्फ तमिलनाडु राज्य से होता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ सहजन की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। 1 लागत, 2 उत्पादन, 3 समय, 4 आमदनी, 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि जिन किसान भाइयों के एरिया में सहजन का लार्ज स्केल पर मार्केट नहीं है तो वे सहजन की खेती किस प्रकार से करें कि वे भी सहजन की खेती से एक अच्छी आमदनी ले पाए। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देसी सहजन की किस्में 4 से 5 साल के बाद उत्पादन देना शुरू करती है, पर कमर्शियल पर्पस पर तैयार की गई किस्में बीज बुआई के 6 से 7 महीने के बाद ही उत्पादन देना शुरू करती है और साल में 2 बार उत्पादन देती है। कमर्शियल पर्पस पर तैयार गई उन्नत किस्में इस प्रकार है: PKM1, PKM2, ODC3। ODC3 वेराइटी पर 2012 से रिसर्च चल रही थी और इसे फाइनली 2017 में इंडिया एग्री फॉर्म ने रिलीज किया। ODC3 वेराइटी बीज बुआई के 6 से 7 महीने के बाद ही उत्पादन देना शुरू कर देती है और इससे हम साल में 2 बार उत्पादन ले सकते हैं। आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। 1 एकड़ सहजन की खेती से कितनी लागत आती है? सहजन की फसल की लागत निकालने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हम खेतीबाड़ी से जुड़े ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। 1 एकड़ सहजन की खेती में बीज की मात्रा लगेगी 500 ग्राम व सहजन के 500 ग्राम के पैकेट की कीमत 600 रुपये। इस तरह हमारा 1 एकड़ सहजन की खेती में बीज का खर्च आएगा 600 रुपये। आप सबसे पहले सहजन के पौधे की नर्सरी तैयार करें। इसके लिए आप ग्रो बैग में सहजन के बीज को भर दें। जब आपका सहजन का पौधा 1 से 1.5 माह का हो जाए उसके बाद आप खेत में सहजन के पौधे का ट्रांसप्लांट कर दें। लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट रख सकते हैं। अगर हम कमर्शियल पर्पस पर फलियों के उत्पादन के लिए सहजन के पौधे की खेती कर रहे हैं तो आप यह दूरी 12x5 को मेंटेन करके चले। इसके अलावा आप 8x8 फीट पर भी सहजन के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर सकते हैं। सहजन के पौधों के ट्रांसप्लांट के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी जिसका हमारा खर्च आएगा 2000 रुपये। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 5000 रुपये। सहजन के पौधे पर भुआ पिल्लू नामक कीट का अटैक देखने को मिलता है। यह कीट सहजन के पौधे की पत्तियां खा लेता है। इस कारण हमारा सहजन का पौधा भोजन नहीं ग्रहण करता और कुछ समय के बाद में हमारा सहजन का पौधा सूखकर मर जाता है। इस कीट से हमारी फसल को बचाने के लिए हमें फसल पर स्प्रे करना पड़ता है जिसका हमारा खर्च आएगा 1500 रुपये। वैसे सहजन की फसल पर ज़्यादा रोग नहीं लगते, फिर भी फंगस जनित रोग जैसे झुलसा रोग सहजन की फसल पर लगता है। इस रोग की रोकथाम के लिए हम फंगीसाइड का छिड़काव अपनी फसल पर करते हैं जिसका हमारा खर्च आएगा 2250 रुपये। निंदाई गुड़ाई का हमारा खर्च आएगा 6000 रुपये। हार्वेस्टिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी जिसका हमारा खर्च आएगा 9000 रुपये। जैविक खाद का हमारा खर्च आएगा 4000 रुपये। आप जैविक व रासायनिक दोनों ही खाद सहजन के पौधे के पास में ही दें, पूरे खेत में देने के बजाय। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 3500 रुपये। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 5000 रुपये। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ सहजन की खेती की हमारी लागत आएगी 32850 रुपये। यानी कि 1 एकड़ सहजन की खेती से हमारी पहले साल की लागत आई 32850 रुपये। दूसरे साल हमारी लागत और कम आएगी 25000 से 28000 के बीच में और आने वाले कुछ सालों तक हमारी लागत 25000 से 28000 के बीच में ही रहेगी। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन पर। 1 एकड़ सहजन की खेती से हमें कितना उत्पादन मिलता है?
5x12 फीट यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट। इस तरह 1 एकड़ में हमारे 700 पौधे लगेंगे व हमारे 20% के हिसाब से पौधे मरते ही हैं। इस तरह हमें स्वस्थ पौधे मिलेंगे 500। सहजन का पौधा साल में 2 बार उत्पादन देता है व 1 सहजन के पौधे से हमें 15 किलो के आसपास उत्पादन मिलता है। इस तरह हमारा 1 एकड़ सहजन की खेती से उत्पादन हुआ 75 क्विंटल यानी कि 1 एकड़ सहजन की खेती से हमें पहले साल उत्पादन मिला 75 क्विंटल। दूसरे साल से हमारा उत्पादन और इंक्रीज होगा और यह उत्पादन 100 क्विंटल से 125 क्विंटल के बीच में रहेगा। आने वाले कई सालों तक आपका उत्पादन 100 से 125 क्विंटल के आसपास ही रहेगा। भारत के कई राज्यों में जहां पर सहजन की खेती के लिए अनुकूल वातावरण परिस्थितियां है वहां पर एक पौधे से 40 से 50 किलो के आसपास तक आप उत्पादन ले सकते हैं। पर हमने हमारा एक पौधे से उत्पादन सिर्फ 15 किलो लिया है क्योंकि भारत के कई राज्यों में सहजन के एक पौधे से उत्पादन कम मिलता है और हमने जिन राज्यों में कम उत्पादन होता है उन्हीं को लिया है क्योंकि हम यहाँ पर मिनिमम उत्पादन को लेते हैं। इसलिए सहजन की खेती से हमारा होने वाला उत्पादन ज्यादा या कम हो सकता है या निर्भर करता है कि आपने कौन सा फर्टिलाइजर शेड्यूल रखा है और आपकी वातावरण परिस्थितियाँ सहजन की खेती के लिए कितनी अनुकूल है। सहजन के पौधे से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप समय समय पर इसके पौधे की कटिंग करते रहे। जैसे उत्पादन लेने के बाद आपको कटिंग करना पड़ती है क्योंकि नई फ्रूटिंग पर ही आपकी सहजन की फलियां आएगी। लागत उत्पादन के बाद आते हमारे तीसरे पॉइंट समय पर। सहजन की खेती का सही समय क्या है और 1 एकड़ सहजन की खेती की समय साइकिल कितनी है। आप सहजन की नर्सरी मई व जून में तैयार कर सकते व सहजन के पौधों का ट्रांसप्लांट जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक कर सकते। सहजन के पौधे के ट्रांसप्लांट के 4 से 5 महीने के बाद में फूल आने लगते हैं और 6 से 7 महीने के बाद में सहजन का पौधे से आपको फलियों से उत्पादन मिलने लगता है जो कि 1 से 2 महीने तक चलता है। वह 1 एकड़ सहजन की खेती की समय साइकिल 10 से 12 साल है अगर आप ODC3 वेराइटी का चुनाव करते हैं। लागत उत्पादन समय के बाद आते हमारे चौथे पॉइंट आमदनी पर। 1 एकड़ सहजन की खेती से कितनी आमदनी होती है। सहजन के पौधे की हार्वेस्टिंग फरवरी और मार्च महीने में आ जाती है। इस समय हमें अच्छा मंडी भाव मिलता है तकरीबन 30 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास। वह दूसरी बार सहजन की हार्वेस्टिंग सितंबर और अक्टूबर महीने में आती है। इस समय हमें इसका भाव थोड़ा कम मिलता है 5 से 10 रुपये के बीच में। इसलिए हम इन दोनों का एवरेज 20 रुपये लेते हैं। हमारा पहले साल उत्पादन हुआ था 75 क्विंटल व 1 क्विंटल में 100 किलो होता है और हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 20 रुपये। इस तरह हमारी आमदनी हुई 150,000 रुपये यानी कि 1 एकड़ सहजन की खेती से हमारी आमदनी हुई 150,000 रुपये। दूसरे साल से हमारा उत्पादन हुआ था मिनिमम 100 क्विंटल और 1 क्विंटल में 100 किलो होता है और हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 20 रुपये। इस तरह हमें दूसरे साल सहजन के पौधे से आमदनी मिलेगी 2 लाख रुपये। आने वाले कुछ सालों तक आपको 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास सहजन की खेती से आमदनी होगी। अब वे किसान भाई जो कि 1 एकड़ में सहजन की खेती से मिलने वाले उत्पादन को बाहर नहीं भेज सकते और उनके लोकल एरिया में सहजन का इतना अच्छा मार्केट नहीं है तो वे सहजन की खेती 1 एकड़ में ना करके बल्कि 1 एकड़ के खेत की मेड़ों पर करें। इस तरह 1 एकड़ की खेत की मेड़ पर आपको सहजन के 70 पौधे लगेंगे व एक पौधे से हमें 15 किलो के आसपास भी उत्पादन मिलता है तो हमें 20 क्विंटल के आसपास उत्पादन मिलेगा। इस तरह से हम 1 एकड़ खेत की मेड़ों से ही 15 से 20 हजार रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। लागत उत्पादन समय आमदनी के बाद आते हैं हमारे पांचवे पॉइंट प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देते तो जो आंकड़ा हमें मिलता है यह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 150,000 रुपये और हमारी लागत आई थी 32,850 रुपये। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 117,150 रुपये और प्रॉफिट परसेंटेज रहा 356%। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हमने इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखा है तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कम्प्लीट करें। अगर आपके सहजन की खेती से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।